हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आई हूँ लौकी की बर्फी की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी है, खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है और बनाने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये लौकी की बर्फी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लौकी की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ली हुई है आधा किलो लौकी। आप देख सकते हैं, लौकी जितनी मुलायम होगी आपकी बर्फी उतनी ही टेस्टी बनेगी। सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेते हैं। लौकी अंदर से खराब है कि नहीं, ये मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं कद्दूकस की हेल्प से इसे ग्रेट कर लेती हूँ। बारीक वाली साइड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, लौकी में से थोड़ा थोड़ा पानी हम निकाल लेंगे। ऐसे निकाल लेंगे सारा पानी। अगर आप पानी को निकाल के यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपकी बर्फी आसानी से जम जाएगी, आपको बर्फी को जमाने में परेशानी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे निकाल के मैं अलग बर्तन में रख लेती हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल लिया है सारा पानी इसमें से। और जो बचा हुआ पानी है आप इसे सब्जी में यूज़ करें या फिर इसको जूस के रूप में भी पी सकते हैं, ये बेहद हेल्दी होता है। अब मैंने गैस पर रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डालूंगी 2 चम्मच जितना घी। दूध डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए हमें पका लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गैस का फ्लेम मीडियम रखें। मैं आधा कप के आसपास मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा कि जो बर्फी हमारी जमेगी उसे जमाने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये देखिए, और फिर से हम इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से सूखने देना है इसे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं कुछ काजू और कुछ बादाम लिए हैं जिसे चॉप किया हुआ है। इसके साथ ही मैंने लिया हुआ है नारियल, घिसा हुआ नारियल है ये। जमने की स्थिति में अभी नहीं है, इससे पहले मैं इसमें डालूंगी ग्रीन कलर का फूड कलर, जिससे कि हमारी बर्फी दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। फूड कलर डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसे। अभी भी ये जमने की कंडीशन में नहीं है, फिर भी मैं इसे और पका लूंगी थोड़ा। यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच घी ताकि हमारी बर्फी आसानी से कढ़ाई को छोड़ दे। देना है ताकि बर्फी निकालने में परेशानी ना हो। अगर आपके पास कोई भी कंटेनर हो या थाली हो, आप उसमें भी बर्फी को जमा सकते हैं। मेरे पास ये मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं इसमें जमा रही हूँ, क्योंकि इसमें आसानी से बर्फी निकल जाएगी। ये घी लगा लिया मैंने, अब जो बर्फी है इसे हम इसमें डाल लेंगे। ऐसे सेट कर लेंगे। ताकि बर्फी हर जगह इक्वल रहे। इधर आप देख सकते हैं बर्फी को मैंने सेट कर लिया है। अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी ये चॉप किए हुए बादाम। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डालें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे फैलाते हुए इन्हें डाल लेंगे। और ऐसे इन्हें सेट कर लेंगे ताकि ये निकले नहीं।
अब मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी जम चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। मैं इसे ऐसे निकाल लूंगी और साइड से इसे कट कर लूंगी ताकि बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। अब मैं इसे पीसेस में कट कर लूंगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से छोटे बड़े पीसेस कर सकते हैं। बर्फ़ी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। बेहद टेस्टी होती है खाने में भी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी ये लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर से अपने अनुभव मेरे संग जरूर शेयर करें। धन्यवाद।